सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शोकेस करता है हमारे बुनकर समाज की कारीगरी को. इनकी कला ऐसी है कि पूरे भारत को उनकी कलाकारी पर गर्व है. बनारसी साड़ी जो है वो हमारी विरासत, हमारे हेरिटेज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो मनीष ने ही वो बनारसी साड़ी डिजाइन की थी और आज इस शो पर बनारस में, काशी में ये आउटफिट पहनना, जो मुझे लगता है कि एक ब्राइडल आउटफिट है जिस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सब हाथ से किया हुआ बुना हुआ काम है. कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे एक फैशन शो करूंगा, तो आज का दिन मेरे लिए, मैंने बहुत से फैशन शोज किए हैं, इट्स बीन मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग, बट फॉर मी टुडे वाज अ वेरी वेरी स्पेशल शो. बहुत ही शानदार इवेंट रहा. मैं अपने मॉडल भाई और बहनों से बैक स्टेज बात कर रहा था, कहा था कि यार हम कई सारे फैशन शोज करते हैं लेकिन ये वंस इन अ लाइफ टाइम मौका है हम सब के लिए. मुंबई के किसी 5-स्टार के बैंक्वेट से अच्छा यहाँ आकर गंगा किनारे ये शोकेस प्रेजेंट करना, जो विश्व प्रसिद्ध मनीष मल्होत्रा साहब ने इतनी मेहनत से क्रिएट किया है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये शोकेस करता है हमारे बुनकर समाज की कारीगरी को. इनकी कला ऐसी है कि पूरे भारत को उनकी कलाकारी पर गर्व है और वी डीपली अप्रिशिएट एवरीथिंग श्री नरेंद्र मोदी हैज डन टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द बुनकर कम्युनिटी. काशी एज एन एग्जाम्पल आप ले लो, 10 साल पहले ये सब नहीं था. जिस प्रयास से मोदी जी ने यहाँ पर बदलाव लेकर आए हैं, सुधार लेकर आए हैं, पीपल फ्रॉम नॉट ओनली ऑल ओवर इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड वुड कम टू एक्सपीरियंस द डिविनिटी दैट इज प्रेजेंट इन काशी. मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनको इतना अच्छा लगा कि मनीष साहब ने उनके लिए एक पूरा शोकेस क्रिएट किया है. जिस तरीके से हमारे बुनकर भाई ने आकर स्टेज पर बयां किया कि ये इट इज द बुनकर कम्युनिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड दैट्स व्हाई इट इज सो सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर ग्रेट एंड सेक्युलर नेशन. मेरे मन में हमेशा से था कि मुझे कुछ हैंड वोवन पहनना है जो हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर को जताए, दर्शाए. बहुत बड़ा मौका था, मेरी लाइफ का सबसे अहम पल था. विज्ञान भवन में जाना, ऑफकोर्स प्रेसिडेंट मैम से वो पुरस्कार मिलना, तो कुछ ऐसा होना चाहिए था जो हमारे भारत को दिखाए. और बनारसी साड़ी जो है वो हमारी विरासत, हमारे हेरिटेज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो मनीष ने ही वो बनारसी साड़ी डिजाइन की थी और आज इस शो पर बनारस में, काशी में ये आउटफिट पहनना, जो मुझे लगता है कि एक ब्राइडल आउटफिट है जिस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, सब हाथ से किया हुआ बुना हुआ काम है. बनारसी साड़ी और हमारी हेरिटेज, जो हमारी बुनकर कम्युनिटी है, जो समाज है, जो वो बुनते हैं, एक एक कपड़ा जो है उसे कितने दिन लगते हैं, कितने प्यार से, खाली पैसे के लिए नहीं, दिल से किया जाता है ये काम. और सबसे खास बात होती है कि वो एक ही पीस होता है, उस पीस के जैसा और कोई नहीं है. मशीन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो ये एक्चुअल हमारी हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, जो मुझे लगता है कि भारत के बाहर पूरी दुनिया में दिखना चाहिए. एंड आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड ग्लैड कि मैं आज इस मौके का एक हिस्सा बन पाई, इस इनिशिएटिव का, जो विकास भी विरासत भी, विकास भी विरासत भी. आई थिंक काशी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस प्रयास के लिए, क्योंकि काशी एक ऐसी सिटी है जो जिसमें इतना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में. श्री नरेंद्र जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना ज्यादा विकास हुआ है, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रीडेवलपमेंट हो, चाहे कितने नए सारे धाम आए हैं, कितने नए घाट्स आए हैं, रेनोवेशन हुआ है कॉरिडोर का हुआ. पर उसके साथ साथ जो जो फीलिंग आती है काशी में, जो अंदर से जो फीलिंग आती है ना, दिल काशी का वही है. तो बाहर की जो बॉडी है वो काफी चेंज हुई है, रिवैम्प हुई है, मॉडर्नाइज हुई है, लेकिन दिल वही है. एंड दैट्स व्हाट आई फील अबाउट आवर कल्चर. आज मंदिर में ना सबके चेहरे पर वो रौनक थी, सबकी आंखें चमक रही थी, बट दैट इज द पावर ऑफ द एनर्जी दैट इज हेल्ड विद इन दिस एब्सोल्युटली स्पिरिचुअली स्पेशल प्लेस. चेंज जो है वो वोटिंग से शुरू होता है, सो ऑफकोर्स डू गो आउट एंड एक्सरसाइज योर राइट टू वोट. उसके साथ साथ आई रियली रियली एम वेरी प्राउड
कि भारत जिस तरह से दुनिया में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में हम जिस तरह से दुनिया में कई जगह तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा कल्चर विच वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ, विच आई थिंक इज वेरी वेरी यूनिक, आई थिंक वी आर टेकिंग दैट विद अस, तो विकास भी, विरासत भी। मैं काशी बहुत बार आया हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है काशी आना। मैं वीवर से भी मिला हूँ पहले और कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे एक फैशन शो करूंगा, तो आज का दिन मेरे लिए, मैंने बहुत से फैशन शोज किए हैं, इट्स बीन मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग, बट फॉर मी टुडे वाज अ वेरी वेरी स्पेशल शो। कई बार मैं यहाँ बोर्ड पे मुझे शाम को और बहुत जल्दी सुबह को आरती पे आना बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज एंड क्योंकि यहाँ एक फनकारी है जो बहुत खूबसूरत है एंड जगह भी मुझे बहुत काम अपने आप को महसूस होता है एंड आई स्टे विद माय थॉट्स। मगर मेरे लिए आज का ये शो, मैं बहुत नर्वस था बैक स्टेज कि सब अच्छा हो, यू नो, ये सब ठीक हो एंड जैसे कृति ने कहा, मेरे लिए बहुत अलग सा शो था बिकॉज मेरे शोज के अंदर बहुत सारे ग्लैमर होता है या सीक्वेंस एंड यू नो एम्ब्रॉयडरीज एंड ऑल ऑफ दैट, बट मुझे लगता है कभी कभी हम उन एम्ब्रॉयडरी के पीछे छुपते हैं क्योंकि हम इतना काम करते हैं कि वो काम दिखे और यू नो, बट आई थिंक इस बार ध्यान ज़्यादा था कि यू नो सब जो जो हैंडलूम है और जो यहाँ के फनकार हैं, जो बुनकर कम्युनिटी है, उनका काम देखे एंड दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू डूइंग अ शो। समवन लाइक मी स्पेशल, इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव डन अ शो लाइक दिस, तो मेरे लिए बहुत यूनिक था, बहुत स्पेशल था। रणवीर इज वेरी स्पेशल बिकॉज ही इज वॉक्ड, कितना यादगार पल रहा स्टेज पर, बुनकर समाज के हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक साथ खड़े रह के हाथ में हाथ डाल के अपनी कारीगरी को सेलिब्रेट करे लोग, जैसे कि मैंने कहा आज की शाम बुनकर समाज के नाम, टुडे वाज ऑल अबाउट देम, एवरीबॉडी वाज हियर टू सपोर्ट। मनीष, तो आप प्लेज करते हैं कि आप इस कला को पूरी दुनिया तक लेकर जाएंगे? बिल्कुल, इस कला को एक नया रूप देंगे, बिल्कुल, जैसे है लोकल फॉर ग्लोबल। मैंने हमेशा ये करने की कोशिश की है, मैं और भी इसे करूंगा, खास करके जैसे कि ये मेरा काम है जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ and I think for me it's very important that we take all our fabrics and our handloom and our great karigars all over the world. ABP Ganga, khabar aapki, zubaan aapki.